स्वाति मालीवाल ने केतरी को एक बार फिर भी शेर नहीं कहा और राज्यसभा की सीट मिल गई। और सुप्रिया श्रीनेत राहुल को 500 बार शेर बोल चुकी है, फिर भी आरएस की सीट नहीं मिली। लेकिन 500 गालियां रोज एक्स पर खाती है, क्या करे, नसीब अपना अपना। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की नेता केजरीवाल की चहेती स्वाति मालीवाल ने बुधवार को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली, लेकिन उनके साथ पहले ही दिन झोल हो गया, उन्हें दो बार शपथ लेनी पड़ी। आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल ने कल राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें दो बार में शपथ दिलाई। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पहली बार में जब स्वाति मालीवाल शपथ ले रही थी तब उन्होंने शुरुआत में गलत शपथ ले ली थी। उन्होंने नामांकित राज्यसभा सदस्यों के लिए शपथ का संस्करण पढ़ा था। जब वो दूसरी बार शपथ पढ़ने लगी तो बेवजह नारेबाजी के चलते उन्हें दोबारा शपथ पत्र पढ़ना पड़ा। स्वाति मालीवाल ने कहा कि परिवार उनके सक्रिय राजनीति में आने से डरा हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि वे सरकार से सवाल करने या इसके लिए जेल जाने से नहीं डरती। बुधवार को सांसद पद की शपथ से पहले मालीवाल ने अपने आवास पर PTI भाषा के साथ साक्षात्कार में कहा कि औपचारिक रूप से जिस क्षण का वह इंतजार कर रही थी पदभार ग्रहण करेगी, वह उनके जीवन का बेहतरीन और महत्वपूर्ण अवसर होगा। गौरतलब है कि यह वही स्वाति मालीवाल है जिन्होंने दिल्ली महिला आयोग द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में अपने पिता पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। स्वाति इंडिया रिहैबिलिटेट सेंटर में उन्होंने कहा था कि उनकी माँ मौसी मौसाजी और नाना नानी ने उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाला। स्वाति ने अपने पिता पर पिटाई का आरोप भी लगाया था। मालूम हो कि इससे पहले स्वाति मालीवाल खुद को फौजी की बेटी कह कर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर चुकी है, जो उनके इल्जाम लगाने के बाद वायरल हुआ था। मालीवाल ने आगे कहा, मैं बेहद उत्साहित हूं, पहली बार सांसद होने के नाते मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि मैं हमेशा एक कार्यकर्ता रही हूं और आगे भी रहूंगी। मैं जमीनी स्तर से मुद्दे उठाऊंगी और मैं इसका इंतजार कर रही हूं। मालीवाल ने कहा, उन्होंने अब तक जो हासिल किया है उस पर उन्हें गर्व है। उनका सफर इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की कोर समिति की सदस्य के रूप में शुरू हुआ था, जो दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख और अब राज्यसभा सदस्य के तौर पर जारी है। मालीवाल ने कहा, मेरा ये सफर मुझे महसूस कराता है कि भगवान है और उन्होंने हमेशा मेरी रक्षा की है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राज्यसभा तक पहुंचूंगी, यह मेरा लक्ष्य या अभिलाषा नहीं थी। मुझे लगता है कि यह मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्षण होगा। उसके बाद मेरे जीवन का हर क्षण इस देश की सेवा के लिए समर्पित होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि लोकसभा में संसद सबसे पवित्र स्थल है और प्रत्येक सांसद की जिम्मेदारी है कि वह सरकार को जवाबदेह बनाए रखे। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।